नमस्कार साथियों, अच्छा पर्सन सीरीज के लेक्चर फोर्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम किसी भी वर्ड की रैंक निकालना सीखेंगे दोनों केस के साथ। अब वो दोनों केस कौन से हैं? जो भी आपको वर्ड दे रखे जिसकी रैंक आपको निकालनी है उसके लेटर रिपीट हो तो रैंक कैसे निकाले और रिपीट ना हो तो कैसे निकाले। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए, एक तो वर्ड लिया मैंने मदर और एक लिया है मिसिसिपी। जो पहला वर्ड है हमारे पास मदर, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, और यहाँ पे लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों ही केस में हम रैंक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले पहले हम बात करते हैं मदर वर्ड की, निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो मदर वर्ड है इसके जो लेटर्स है ना इनको थोड़ा खुले करके लिख दो, MOTHER, ठीक है। फिर क्या करना होगा, ये जो लेटर्स है इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो, है ना। तो सबसे पहले कौन आता है इनमें से, ई, उसके बाद एच, ओ, एम आएगा पहले, पहले एम, फिर ओ, फिर आर और फिर टी। चेक करो, छह हो गए, 1 2 3 4 5 छह, छह इसमें थे, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना होगा आपको, अरेंज तो हमने कर लिया, यहां से आपको फैक्टोरियल नंबर लिखने हैं, 0 से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, अब क्या करें, तो अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास मदर वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एम है, तो ये जो अरेंज कर रखा है आपने अल्फाबेटिकली, यहाँ पे एम से पहले देखो कितने लेटर आए हैं, दो आए हैं ना, तो यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और एम का काम खत्म हो गया तो इसको कट कर दो, ठीक है। उसके बाद कौन है, ओ, तो ओ देखो यहाँ पे है, तो इससे ऊपर ऐसे लेटर जो कटे हुए नहीं है कितने, 2 हैं, इसको हटाओ और मल्टीप्लाई 2 लिख दो। टी से ऊपर देखो कट करो, 1 2 3, कटे हुए नहीं होने चाहिए ना, 1 2 3 इंटू कर दिया 3। एच के ऊपर देखो 1 है तो इंटू 1। ई के ऊपर देखो कोई नहीं है इंटू 0। आर के ऊपर देखो एक भी ऐसा नहीं है जो कटा हुआ नहीं हो, सारे कटे हुए हैं तो इंटू 0, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 प्लस, इनको प्लस करते चलो इनकी कैलकुलेशन को, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1। 0 को किसी भी नंबर से करोगे तो 0 आएगा, ठीक है, और लास्ट में आपको प्लस करना है 1, चाहे ये वाला केस हो या फिर ये वाला केस हो, सभी में लास्ट में 1 प्लस करना है। क्यों, मदर वर्ड के अलावा बाकी जितने भी वर्ड बनते हैं ना उनका अरेंजमेंट है ये, यहां तक, ठीक है, और एक मदर वर्ड खुद भी तो है ना, तो उसके लिए प्लस 1 आया है, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, 5 फैक्टोरियल, ये इसका मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, और ये कितना हो गया 6 120, तो ये हो गया 120 इंटू 2 240 प्लस, यहां पे कितना आएगा देखो 4 फैक्टोरियल, ये हो गया कितना, हो गया 24 24 इंटू 248 प्लस, यहां पे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 6 इंटू 3 18, और लास्ट में क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये आएगा 2 और लास्ट में 1। अब इनको ऐड करना है कितना आएगा देखो लास्ट में 1, ओके, 16 17 18 19, कैरी 1, 4 4 8 9 और कैरी 1 10, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, यानी जो मदर वर्ड है इसकी रैंक की क्या है 309 है। ये तो जब जब कोई लेटर रिपीट ना हो तो उस केस में उस वर्ड की रैंक निकालते हैं, ठीक है। वो तरीका क्या था एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं, जो मदर वर्ड है उसके जो लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट अरेंज करना आपको, और उसके बाद आपको ये जो मदर वर्ड है इसमें लास्ट से यानी राइट टू लेफ्ट आपको फैक्टोरियल नंबर लिखना है, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इससे ऐसे, ठीक है। फिर क्या करना है, ये जो फैक्टोरियल नंबर लिखे हैं इनको आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि मैं बात करूं एम की, तो यहां पे देखो जो अरेंजमेंट हमने किया है उसमें एम से ऊपर एम है ना, तो एम से ऊपर ऐसे कितने लेटर है जो हमारे पास कटे हुए नहीं है, तो 2 थे तो वो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको कट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ओ पे आ जाओ, ओ के ऊपर कितने, ये तो कट चुका, 2 हैं तो 2 लिखा और इसको कट कर दो, ऐसे सभी को आपको करना है, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस, इनको मल्टीप्लाई प्लस, इनको प्लस इनको, और लास्ट में प्लस करोगे 1 इस वर्ड के लिए, ठीक है। जब आप इनको सोल्व करोगे तो उस वर्ड की रैंक आपके पास आ जाएगी जिसके लेटर रिपीट नहीं होंगे, है ना, और अगर लेटर रिपीट हो रहे तो उस केस में कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले मैं इसको रफ करता हूं उसके बाद सोल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं मिसिसिपी वर्ड की रैंक निकालनी है उसके लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो वर्ड है उसको ऐसे आप खुले खुले लिख लोगे उसके लेटर्स को, ठीक है। उसके बाद आपको जो अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट है ना वो करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन आ रहा है अल्फाबेटिकली, अगर देखे तो आई आ रहा है ना, तो जो आई आ रहा है उसको नंबर 1 दे दो आप, जहां पे भी आई है वहां पे 1, ठीक है।
आई के बाद इनमें कौन रिपीट, मतलब कौन आएगा दूसरे नंबर पे, एम आएगा, तो एम पे मैंने नंबर टू लिखा, ठीक है। उसके बाद एस का तो लास्ट में नंबर आएगा, उससे पहले तो पी है ना, तो तीसरे नंबर पे पी आ गया और चौथे नंबर पे आ गया एस आ गया। हमने क्या किया है, इनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया है नंबर के साथ, ठीक है। फिर क्या करें, फैक्टोरियल नंबर लिखो लास्ट से, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल, सेवन फैक्टोरियल, एट फैक्टोरियल, नाइन फैक्टोरियल एंड टेन फैक्टोरियल, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किस से करना है, तो जो हमारे पास वर्ड एम एसीसीपी है उसमें देखो स्टार्टिंग किस लेटर से हो रही है, एम से हो रही है ना, तो ये जो लेटर एम है तो एम के ऊपर देखो कितना नंबर है, एम के ऊपर तो नंबर दो है, ठीक है। तो ये जो दो है इससे कम राइट साइड आपको देखना है, दो से कम। अब दो से कम ऐसे कितने आपके पास लेटर हैं जिन पे दो से कम नंबर लिखा है, एक दो तीन चार, एक वाले है ना, कितने है चार है, तो यहां पे इंटू फोर करेंगे, ठीक है। एक से कम जीरो, तो जीरो तो किसी भी लेटर पे होता ही नहीं है, तो जीरो करो। चार से कम राइट साइड, ठीक है, तो ये इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, ये तो इसके इक्वल है, हम तो कम की बात कर रहे हैं ना, चार से कम, तीन हो दो हो या एक हो, है ना, तो एक दो तीन चार पांच है, तो इंटू फाइव हो गया। यहां पे चार से कम वही पांच है, तो ये यहां पे लिखा मैंने पांच, एक से कम कोई है नहीं जीरो, चार से कम यहां पे देखो इसको तो लेंगे नहीं, ये तो इसके इक्वल है, हम तो कम की बात करें, एक दो तीन चार, चार से कम वही चार, एक से कम है नहीं जीरो, एक से कम नहीं है जीरो, तीन से कम ये तो नहीं आएगा एक आएगा, तीन से कम एक आएगा, ठीक है। ओके, अब इनको सोल्व कर लो, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4। अब देखो यही तरीका तो हम इसमें यूज कर रहे थे, अरेंज किया था, जीरो से फैक्टोरियल नंबर लिखे थे, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, ठीक है, और उसके बाद कट कर करके हमने उनका नंबर जो आया था उनसे मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पे अंतर क्या है, अगर लेटर रिपीट हो तो उस केस में जिसके नीचे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे मैं एम की बात कर रहा हूं ना, तो इसको शामिल करते हुए इसके राइट साइड जितने लेटर रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे कि मैं बात करूं एम की, है ना, तो एम को शामिल करते हुए एम को इंक्लूड करो और इसके राइट साइड देखो ऐसे कितने लेटर जो रिपीट हो रहे हैं, तो एम तो रिपीट हो नहीं रहा, ठीक है, और कौन रिपीट हो रहा है, आई कितने बार आया काउंट करो, एक दो तीन चार बार आया है ना, तो चार फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ये चार फैक्टोरियल किसके लिए, आई के लिए, और भी कोई रिपीट हो रहा है कि बिल्कुल हो रहा है, एस देखो चार बार आया है तो एस के लिए चार फैक्टोरियल, यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एस के अलावा और कौन रिपीट हो रहा है, आई हो गया, एस हो गया, पी दो बार आया है, तो टू फैक्टोरियल इनटू में यहां पे आ गया, ये मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर प्लस, ये क्या है, जीरो हटाओ, इसको लिखो एट फैक्टोरियल इनटू फाइव। अब देखो 8 फैक्टोरियल इनटू 5, एस की बात कर रहे हैं ना, तो एस को शामिल करो और एस के राइट साइड देखो कितने ऐसे लेटर है जो रिपीट हो रहे हैं, एस रिपीट हो रहा है एक दो तीन चार बार, तो एस के लिए आ गया चार फैक्टोरियल, और देखो आई कितने बार, तीन बार, पीछे की तरफ नहीं देखना है राइट साइड, एक दो तीन इंटू थ्री फैक्टोरियल, और कौन रिपीट हो रहा है, पी दो बार, टू फैक्टोरियल। फिर प्लस लगाओ, अब इनको लिखो सेवन फैक्टोरियल इंटू फाइव, इसके नीचे क्या आएगा देखो, इसको शामिल करते हुए इसके राइट साइड देखो, है ना, कितने रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो मैं बात करूं एस की, तो एस तीन बार आया है, तो तीन फैक्टोरियल तो आ गया एस के लिए, आई तीन बार है थ्री फैक्टोरियल, और पी दो बार है टू फैक्टोरियल, प्लस ये तो जीरो है हटाओ, ये बचा फाइव फैक्टोरियल इंटू फोर, तो इसके नीचे क्या आएगा देखो, इसको शामिल करते हुए इसके राइट साइड देखो, एक और एक दो, एस दो बार आ गया, तो एस के लिए टू फैक्टोरियल, आई दो बार पी दो बार, आई के लिए दो और पी के लिए दो फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस फाइव फोर हो गया, अब फोर फोर की बात करते हैं, फोर फैक्टोरियल इंटू फोर, ठीक है, तो यहां पे देखो इसको शामिल करते हुए इसके राइट साइड देखो कितने ऐसे लेटर जो रिपीट हो रहे हैं, तो एस तो रिपीट हो नहीं रहा, दो बार आई दो बार पी आया है ना, तो ये हो गया आई के लिए, ये हो गया पी के लिए, प्लस ये तो जीरो हटाओ, अब इस पे आ जाओ, तो ये क्या है देखो, टू फैक्टोरियल इंटू वन है, तो इसके नीचे क्या आएगा देखो, पी को शामिल करते हैं इसके राइट साइड देखो कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, दो पी आया ना दो बार, ठीक है। प्लस यहां पे क्या आएगा देखो, वन फैक्टोरियल इंटू वन, और पी के राइट साइड देखो ऐसे लेटर जो रिपीट हो रहे हो नहीं है, तो अपॉन वन लिखो या ना लिखो, प्लस ये क्या है, जीरो इंटू एनी नंबर जीरो, जीरो इंटू एनी नंबर जीरो, और लास्ट में मैं क्या कहता हूं, प्लस वन करना है आपको, ये कौन सा वन है, ये इस मिसिसिपी वर्ड वाला वन है, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, तो देखो इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ना एक्सपेंड करके, 10 इंटू नाइन, इसकी बात कर रहा हूं मैं 10 फैक्टोरियल की, 10 9 8 7 6 5
और 4321 को लिख दिया मैंने 4 फैक्टोरियल, और आगे क्या था 4, तो इंटू 4 कर दिया, और नीचे क्या है दो बार तो है 4 फैक्टोरियल, फिर है 2 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 4 फैक्टोरियल का मतलब 4, 3, 2, और इसका मतलब क्या है 2, तो कितना हो गया 4, 3, 12, 24, 48, 48, तो 8, 6, 48 कैंसिल, नीचे का कैंसिल, क्या बचा उनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो ये आएगा 9, 7, 63, 4, 5, 20 और 10, तो 10 मैंने यहाँ पे लगा दिया, जीरो लगा दिया, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो डबल जीरो लास्ट में है, और 2, 3, 6, 6, 2, 12, 12,600 आ गया, प्लस प्लस, अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 8 × 7 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और साथ में क्या था 5 था, और नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये क्या 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, यानी नीचे 12 है, 6 नहीं लिखा मैंने, 8, 7, 6 और आएगा ना, ठीक है, नीचे क्या है 3 × 2 = 6 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करो 4, कितना आएगा 5, 5 = 25, 25, 4 = 100, 100 × 7 = 700, ये आ गया 700 प्लस, अब तीसरे पे आते हैं, तो ये है 7 फैक्टोरियल × 5, ठीक है, तो 7 फैक्टोर, अरे ये तो 700, ये तो हमारे काम की लाइन है, प्लस, तो ये जो 7 फैक्टोरियल है इसको मैं कहां तक लिखूंगा 7654 तक, क्यों नीचे 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो इसको मैं लिख रहा हूं 5 एज इट इज, और 7 फैक्टोरियल को लिखा 7654 और 3 फैक्टोरियल इससे कट गया, ये क्या आया 6 आया, वो कट गया, क्या बचा 2, इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम, कितना हो गया 7, 5 = 35, 35 × 10 = 350, ठीक है, ओके इसका भी हो गया, इसका इसका ओके, अब इसका नंबर, तो इसको क्या लिखे 5 फैक्टोरियल को 5, 4, 3 और 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल, 2 × 2 = 4 कट गया, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 60 प्लस, अब यहां पे आ जाओ 2 × 2 = 4, 4 इससे कैंसिल 4 फैक्टोरियल, वो कितना आता है 24 प्लस, ये 2 कैंसिल 1, यहां पे 1 प्लस, ये तो पूरा 1 है प्लस 1 2, अब इनको ऐड करना है 12, 600 और 700, 7 × 3 = 10, 1050 और ये हो गया 6, 8, 84, 85, 86, 87, 87 है ना, अब इनको ऐड करो 7, 8, 5, 13 = 1, 6 × 1 = 7, 2, 1, 3, 1, हाँ ये आया था, कितना आएगा 137, 37, ठीक है, तो इनको जब ऐड किया तो ये आ रहा है, ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।